वेलकम टू माय चैनल आरके स्टडी। तो सुगा जी आपको स्वागत है अपने आरके स्टडी में। और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आंख से आप कैसे देख पाते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसे मैं बताया हूं कि आप आंख से कैसे देख पाते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताने वाले हैं कि आप आँख से तो देख पाते हैं, वो तो सही है, लेकिन आपके अंदर कहाँ पे किस जगह पे प्रतिबिंब बनता है, आज इस वीडियो में यही बात बताने वाले थे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम इससे पहले भी वीडियो एक बना चुके हैं, ठीक है ना, उसमें हम बता दिए हैं कि आप आंख से कैसे देख पाते हैं। थोड़ा सा उस वीडियो की मैं चर्चा इस वीडियो में कर लेता हूं। दोस्तों देखिए, हम उस वीडियो में बताए हैं कि किसी भी प्रकार के वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ने के बाद मेरी आँख पे पड़ती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही प्रकाश अब कहाँ से गुजर कर किस स्थान पे जाती है और कैसे प्रतिबिंब बनती है, यही वीडियो में हम आज बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे बताते हैं, देखिए दोस्तों हम पदार्थ ले लेते हैं, किसी भी वस्तु यानी कि मोमबत्ती ले ली है, किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण पुतली, ठीक है दोस्तों, पुतली के माध्यम से आँखों में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों, और आँखों के लेंस पर पड़ते ही नेत्र लेंस तब प्रकाश की किरण का अभिसरण करते हैं और वस्तु की छवि को बनाते हैं जो कि वास्तविक और इंट्रेड होती है, ठीक है दोस्तों, और वस्तु हमेशा रेटिना पर ही बनती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, वास्तव में ही आँख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है, ठीक है दोस्तों, और कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार आँख में आगे लेंस तथा पीछे रेटिना होती है जो कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनती है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। अगर कोई डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इससे रिलेटेड और वीडियो बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना के लिए धन्यवाद, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।